हेलो, आज मैं आपको एक न्यू तरीके का फ्रंट बताने वाली हूँ, न्यू फ्रंट वेरिएशन बताऊंगी। फ्रंट से आपने देखोगे एक फोल्डिंग तरीके का हमारा लुक जाता है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि वो काफी चलता है, ट्रेंड में है। और जब हम लोग वो देते हैं ब्राइडल पे दो या फिर भी नॉर्मली विदाउट पार्टी वेयर वगैरह, मतलब किसी भी फंक्शन में दे रहे हो, तो वो लुक बहुत अच्छा लगता है फ्रंट से। लेकिन उसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि उसके लिए आपको सही तरीका पता होना चाहिए, सेक्शन पता होने चाहिए कि आपको कितना सेक्शन कहाँ से लेना है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में ये कंप्लीट जो आप देखा है आपने अभी कि फ्रंट मैंने बनाया है, ये फ्रंट मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी सेक्शन, आपसे आपको इस तरीके से फ्रंट से बॉक्स सेक्शन एकदम अलग करना है और साइड के सेक्शंस को पहले हम काम करेंगे साइड के सेक्शन में। लेकिन आप जो बॉक्स का सेक्शन आप देख रहे हैं कि आपको इतना ही सेक्शन लेना है, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, वरना जो एक वो टेक्निक है, वो जो फोल्ड उसका है, उस फोल्ड में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आपको बाल इतने ही लेने हैं, ज्यादा बाल नहीं लेने हैं, सिर्फ इतना जो आप ये देख रहे हैं आईब्रो के बिल्कुल सेंटर में ऐसे ले जाकर के चेक करिएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ से सिर्फ एक ये स्ट्रेट बॉक्स सेक्शन अलग कर लेना है और फिर हम साइड से अपने बालों को बैक कॉम करके पीछे लेके जाएंगे। तो दो सेक्शन में डिवाइड करना है, ऐसे नॉर्मल सेक्शन है, कोई डायगोनल वगैरह नहीं, नॉर्मली सेक्शंस में डिवाइड करना, बैक कॉम करो ऐसे, ये चीज सेम इस तरीके से फ्रंट वाले सेक्शन में भी। जब आप सेक्शन में बैक कॉम कर रहे हो तो थोड़ा सा सेक्शन जो है आपको वो आगे की तरफ झुका के रखो, जितना ज्यादा आप सेक्शंस को अपने झुकाओगे उतने ज्यादा आपकी बैक कॉम होगी, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और ये खाली मतलब फ्रंट में यही सही स्टाइलिंग के लिए नहीं है, मैं जैसे आप बैक कॉम का कोई पफ वगैरह बना रहे हैं या कहीं पे भी बैक कॉम कर रहे हैं, तो जितना आगे की तरफ आप अपने सेक्शंस को बैंड करोगे उतना ही आपके जो सेक्शन है उसमें बैक कॉम अच्छी होगी, उतनी ज्यादा हैवी बैक कॉम होगी। और आपको पता ही है कि जब भी हम पफ वगैरह बनाते हैं तो पफ वगैरह में हमें काफी अच्छी वाली बैक कॉम ही चाहिए होती है। ये मैं यहाँ पे स्प्रे यूज कर रही हूँ ताकि आपके जो भी फ्रिजी हेयर है बैक कॉम में है उसके बाल जो है अच्छे से सेट हो जाए। इन बालों को आप यहाँ पे पीछे पिन अप कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपका ये सेक्शन है पहले तो इसे बिल्कुल टैंगल फ्री कर लो, उसके बाद इसे इस तरीके से दो सेक्शन में डिवाइड करो, इक्वल सेक्शन करने हैं। आगे वाला जैसे आपका फ्रंट में जो आ रहा है वो वाला कम या फिर पीछे वाला ज्यादा हैवी, ऐसे नहीं, इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करना है। इसे आप आगे छोड़ दो और पहले हम बैक वाले जो हमारा ये सेक्शन है इसमें करनी है आपको बैक कॉम, बैक कॉम करनी है, अच्छे से आगे की तरफ बैंड करो सेक्शन को इस तरीके से और फिर ये चीज बैक कॉम अच्छी करनी है आपको यहाँ पे, क्योंकि आपको चाहिए बाउंस। तो ये नहीं हल्की फुल्की सी बैक कॉमिंग करके काम खत्म, आपका अच्छी वाली बैक कॉमिंग करनी है क्योंकि हमें चाहिए फ्रंट से काफी अच्छे वाला बाउंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैक कॉम करनी है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी बैक कॉमिंग हुई है। तो बैक कॉमिंग करने की टेक्निक भी मैंने काफी वीडियोज में बता रखी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो आपके लिए बैक कॉम की खाली, जिसमें मैं आपको बैक कॉम करना बताऊं, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूं। तो ये मैंने इस तरीके से बैक कॉम करी और अब आपको सेम फ्रंट वाला जो हमारा ये सेक्शन है इसमें भी ऐसे ही करना है, हल्का सा आगे की तरफ बैंड करो सेक्शन को, कॉम करो और ये चीज। आपकी जो बैक कॉमिंग है वो फ्रंट में नहीं जानी चाहिए, लेकिन बैक में काफी अच्छे से आपको बैक कॉमिंग करनी है बाउंस के साथ। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से ज्यादा साइड से भी और दोनों साइड से जो ये फ्रिजी फ्रिजी हेयर हो गया बैक कॉम दिख रही है इसे बिल्कुल नीट करना है, लेकिन बैक कॉम आपकी खोलनी नहीं चाहिए। कभी आप बहुत तेजी से मतलब बालों में कॉम करो, सारी बैक कॉम भी खोल दो सुलझाने के चक्कर में, फिनिशिंग देनी है सिर्फ हल्की हल्की इस तरीके से साइड से आप फिनिशिंग दो। दोनों तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले पूरे बालों में अच्छे से कॉम कर लो, बिल्कुल भी कहीं भी पूरे बालों में आपके टैंगल ना हो, बिल्कुल ऐसे स्मूथली आपका कॉम जो है जाना चाहिए ये चीज। फ्रंट से बिल्कुल फिनिशिंग करो,
इस तरीके से सारे बालों को इस तरीके से अपने हाथ में लो, ये फिंगर ऊपर और ये हाथ पूरे पे, हाथ पे आपको बालों को रखना है, हल्का सा पीछे नहीं, हल्का सा साइड में ला करके इस तरीके से, ठीक है। कॉम करना है अच्छे से, बिल्कुल भी बाल ऊपर नीचे नहीं हो, ये चीज इस तरीके से। और फिर आपको अपने बालों को, हाथ को जो है बालों को पकड़े पकड़े इस तरीके से लेके आना। देखो एक बार और देखते हैं, इस तरीके से बालों को होल्ड करा, फिंगर ऊपर, हल्का सा बैक में ना खड़े होके हल्का सा साइड में रखो हाथ को अपने, इतना साइड पे, फिर वहीं से हल्का सा ऐसे लेकर के बाल को, ये चीज फिर आपको इस वाले हाथ से इसे ग्रिप करो, हल्का सा यहां से इसे नीचे की तरफ फोल्ड करो, ये चीज धीरे धीरे, ठीक है, एकदम से नहीं क्योंकि वरना सारे बाल जो है वो खराब भी हो सकते हैं, तो धीरे धीरे आपको बालों को नीचे की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ तक का आप अपना फोल्ड देख सकते हैं, जहां तक का आपका कान होता है, कान के पास तक आप अपना फोल्ड को ला सकते हैं, या फिर क्लाइंट से पूछ सकते हैं आपको कि कम फोल्ड चाहिए या थोड़ा ज्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अब यहां से होल्ड करो और इन बालों को पीछे पिन अप कर दो, ये चीज। फ्रंट से आपको अपना जो बाउंस है या जो भी है आपको खराब नहीं होने देना, बिल्कुल ऐसे होल्ड करके रखो और पीछे पिन अप कर दो। अब आपको क्या करना है, इन बालों को थोड़ा सा अपने यू पिन से सेट करना है। सेट कैसे, हल्का हल्का सा जो सबसे नीचे वाली लेयर है आपकी, इसे में हल्का सा आप इन्हें सेपरेट करो, हल्का हल्का सा, बिल्कुल फाइन, मतलब एक तो होती है आपकी काफी शार्प वाली लाइन, उस तरीके की लाइन से नहीं, हल्की हल्की सी आपको अपने बालों में लाइन से शो करनी है, हल्का से पिन अप कर दो ताकि आपके जो लाइन है ये थोड़ा जो बाउंस बाहर की तरफ का रहा है ये अच्छे से स्प्रे होने के बाद सेट हो जाए आपका। पिंस लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप हल्के से ऐसे होल्ड करके ऊपर को उस पर स्प्रे करो और फिर फिंगर से उसे शेप दे दो इस तरीके से, तो आपको पिंस लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी जो लाइन्स है वो ऐसे ही विजिबल हो जाएगी, क्योंकि हमें बहुत फाइन फाइन लाइन्स ही क्रिएट करनी है, हम कोई हैवी लाइन्स या फिर बिल्कुल शार्प लाइन्स उस तरह की लाइन्स नहीं क्रिएट करनी, सॉफ्टर एक लुक दे रहे हैं फ्रंट से। ये देखियो, देखिए पिंस मैंने हटा दी क्योंकि हमारा जो बाल है वो सेट हो चुके हैं काफी अच्छे से। तो ये थी आपकी फ्रंट वेरिएशन फॉलिंग टेक्निक के साथ। अगर कोई भी आपका डाउट हो कोई भी, या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड स्टाइलिंग में, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।